तो नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। भीन के जोर, भीन के घटाओ, भीन के गुना से आप हैं परेशान, तो हमारे लिए है समाधान। देखिएगा, हम आज भीन के जोर आपको ऐसा सिखाएंगे कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आपने हर जगह जरूर पढ़ा होगा, अगर थोड़ी सी पेशेंस हमारे साथ 5 मिनट देते हो तो जिंदगी का मैं 5 वर्ष आपको दूंगा, आपको भीन का जोर से लेकर भीन के गुना भाग पूरा आ जाएगा। अगर इस वीडियोज के बाद आपको नहीं आएगा तो मेरा वीडियोज देखना छोड़ देना। अब देख, मैं वीडियोज आपको कैसे दूंगा, इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस आपको बनाना पड़ेगा। भीन के जोर सीख रहे हो ना। देखो, जैसे मैंने कहा 3/5 लिखा और 1/5 लिखा, इसको कहते सर अंश, एकरा कहते हम हर। हिंदी इंग्लिश का लफड़ा नहीं करने का, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है। अब देखो, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, आ इहो अंश हो गया, आ ये का हो गया, हर हो गया। मुन्ना इतना बुझने आता कि ना बुझने आता, ऐसे नहीं बुझने आता। तो बुझो, ऊपर का वाला और निचल का वाला, तो दोनों में क्या हमने देखा सर, में हमने एक चीज देखा कि निचला वाला सेम है लेकिन ऊपरा वाला जो है वो डिफरेंट है, यानी दूसर है। अब देखो भाई साहब, जब नीचे वाला दोनों सेम रहे, जब नीचे वाला दोनों सेम रहे तो इसको कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन, यानी समान भिन्न कहा जाता है। अब सुन मेरे भाई, अब दोनों बराबर है ना, अगर बराबर ना हो तो सर, ना होगा तो मैं एग्जांपल लिया कि नहीं लिया वो भी करेंगे, लेकिन पहले इसको तो सीख लो भाई। अगर दोनों बराबर होगा तो इसका भीन का जोर करने के लिए, इसका भीन का जोर करने के लिए आंख बंद पट्टी देख। अब ये 3+1 कितना, 4। जैसा नीचा वैसा ही ऊपर, बोल आया आंसर कि ना आया, 4/5 हुआ कि नहीं हुआ। आपको कोई एलसीएम का लफड़ा नहीं करने का, अभी का भी मगजमारी कॉपी कलम छोड़ देने का, पिछला बात आपको भूल जाने का, मैं जो समझा रहा है वो समझने का आपको। देख मुन्ना, 3/5 और 1/5 का एलसीएम सर निचल का दोनों सेम है, तो सेम है तो लफड़ा खत्म, ऊपर वाले को जोर डाल, बस क्रियाकलाप खत्म। देख अपने को क्या करने का, 3+1 4 5 5 5, कोई दिक्कत नहीं। अब सर जैसे मैंने 2 लिखा तो 3 2 कितना होता रे बाबा, काई को 5 और 5 5 1, कौनो दिक्कत नहीं। सर अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाए, 3 और 1 4 तो हो गया, क्योंकि ये और ये सेम है, लेकिन ई आई डिफरेंट हो जाए तब सर क्या करेंगे। तो देखिएगा, अब ये बात को जब सीख जाइएगा ना, तो आपका एलसीएम पूरा जरे से खत्म हो जाएगा। देखिए, पहला है 3/5 आ ई है 2/6। बउआ मेरे क्या करना है, 5 और 6 का एलसीएम तुमको कितना आता है, तो सर एलसीएम आता है हमको 30। एलसीएम कितना आता है, 30 आता है। बेटे मेरे एक बात और बता मेरे को, ये 5 है, ये 6 है, एलसीएम हमको का आ गया 30। सबसे पहले एलसीएम को देखना है, तो सर एलसीएम जो लिखाता है वो नीचे लिखाता है, बिल्कुल सर ये तो सब जानता है। तो बताओ कि 3/5 है और नीचे हमको 30 पुराना है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 को 30 पुराना है तो 6 से गुना, 6 से कितना भाग करना पड़ेगा। अब इतना ही को सीखो, तुमको हमने कहा 3/5 पहला था, 30 पुराना नीचे, तो 6 से गुना करबे तब न 30 आते। देखो 6 5 कितना 30, 6 3 18, दूसरा कितना है 2/6, और कितना से गुना करबे कि 30 पुर जते, तो 5 से गुना और 5 से भाग, जितना से गुना करबा उतने से ऊपर लिखे के छे, तो 6 5 कितना भ गेले 30 और 2 5 10। अब जोड़े में तोरा दिक्कत ना होते, कला कि ई दोनों सेम रहे तो ऊपर का जोड़ देल हुरा, तो अब देख ई दोनों के जोड़ दहु आराम से, 10/ का कितना है 30, 10/30 है भाई साहब, तो एकरा जोड़बो तो कितना आ जते 18/30 और 10/30। सर बोलिए ना 28/30 आंसर आया कि ना आया, बस यही तो भिन्न का जोड़ है। और लोग का समझाता है ऐसे ऐसे के, अरे लाइक फ्रैक्शन पहले आप पढ़िए 6ठा का किताब, उसके बाद बच्चों को समझाइए। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े हैं, मायने ये रखता है कि छोटी पढ़ाई करो और किसी को समझाओ ऐसा कि समझ में आए। दूसरा सर बना के बताइए कैसे बनेगा। देख मुन्ना, सिर्फ वही करना जो मैं आपको बता रहा। देख
ये कितना है, चार और पाँच है, तो सर डिफरेंट है, डिफरेंट है तो एलसीएम कर डाल मेरे भाई। एलसीएम कितना आया सर, 20 आया, 3/4 है, एगो है 4/5 है, सर नीचे में 20 लाना है, तो 20 लाना तो 4 को कैसे गुना करना, 5 से गुना करना, तभी तो 20 आने का, तो 4 × 5 = 20 आ गया। मैंने कहा जितना से गुना नीचे उतना से ऊपर, भाई साहब 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 20। अब भाई साहब नीचे 20 लाना, काई को दिक्कत, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 × 16 16 और 20 होगा क्या ना, अब दोनों का नीचे वाला सेम, दोनों का नीचे वाला सेम, ऊपर वाले को जोड़ डाल, तो 16 × 15 को ऐसे करेगा ना, 15/20 प्लस 16/20 जोड़ना कितना होता, 6 × 5 = 11 31/20। अब आंसर आया कि नहीं आया, जिंदगी का मुकाम हासिल करना है तो स्ट्रिक को अपना लो, एलसीएम ऐसे ही निकलता है, लेकिन हम लोग भी ऐसे पढ़ चुके हैं, ऐसे एकरा गुना कर, एकरा से भाग दे, जितना टाइम लो उतना टाइम कर। बच्चा को जब ऐसे आप समझाइएगा तो नहीं सीखेगा। टीचर्स बनिए, टीचर्स का मतलब होता है छोटी पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो उतना किसी को समझाने लायक बन जाओ, तब होता है टीचर्स का लाइन। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, जिंदगी भर ये आप नहीं भूल पाओगे मेरा भाई। एक और एग्जांपल मैं लेता तेरे के सामने, देख अब तू बना के बताएगा मेरे को, कहेगा सर देखो ये 3/5 लिया, अब हमने लिया 8/7 ले लिया, सर ये तो डिफरेंट है मुन्ना, तेरे को समझाया मैंने 5 और 7 का एलसीएम कितना, एलसीएम 7 × 5 = 35 7 × 5 = 35। अब नीचे 35 लाना है तो 5 को कितने से गुना, 7 से गुना, तो 3/5 आगुने 7 से ऊपर 7 से नीचा प्लस 8/7 है सर, कोई दिक्कत नहीं, को हमको नीचे 35 लाना, तो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करना, बोलना बोलना 5 से करना, 7 × 5 = 35 7 × 21 प्लस 7 × 5 = 35 8 × 5 = 40। अब बोलो 21 और 40 को जोड़ेगा 61 आएगा कि नहीं आएगा, और ये 35 आएगा, अरे बोलो ठोक डालो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, अपन को समझ में आया कि नहीं आया। मैंने कहा था ना आपसे पूरी वीडियोस देखना अगर समझ में नहीं, इसी तरह से भाग भी बनता है, टेढ़े मेढ़े में मत फंसने का। मेरा अगला वीडियो आ रहा है भाग का, सॉरी घटाव का, तब गुणा का, तब भाग का आएगा, पूरा समझ में आपको आना चाहिए, क्योंकि मैंने जिम्मा उठा लिया है आपको समझाने का। और आप भी एक चीज करके जाना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, मित्रों को बताना। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामना, थैंक यू वेरी मच।